ये कंप्लीट हो गया है, चार और राउंड रहते थे वो हो गए कंप्लीट। अब ये एक छूटा हुआ है वो हम छोड़ देंगे। ये वाला जो है ये दो छोड़ते हैं, दो छोड़ेंगे और उसके बाद अब इसमें यहाँ पे जो है ना हमें एक रॉड डालनी है ताकि वो पर्स को स्टेबल कर सके। तो वो रॉड जो है वो जो फिशिंग वायर होती है वो थोड़ी मोटी वाली लेते हैं और फिर उसको राउंड का अंदाज़ा करके उसके मुताबिक इसके बीच में स्क्वाश टेप से उसको जॉइन कर लिया। जितना आपका राउंड बन रहा है, जितना भी साइज़ हो, आप ज़रूरी नहीं है कि इतना ही साइज़ आप बनाएं जितना कि मैंने बनाया है। आप इसको थ्री लेयर ऑफ पेटल को भी कर सकते हैं, फोर लेयर ऑफ पेटल को भी कर सकते हैं और फाइव लेयर ऑफ पेटल को भी कर सकते हैं। तो आपके अपने ऊपर है जितना छोटा या बड़ा पर्स बनाना हो, लेकिन फिर ये उसके मुताबिक ये फिशिंग वायर होती है ये उसकी सबसे मोटी वाली है। तो ये मैंने पूरे वो राउंड में मिलता है तो वो मैंने ले लिया था। तो वो मैंने अकॉर्डिंग टू दिस सर्कल मैंने इसको काट लिया, काट के स्क्वाश शेप से जॉइन कर लिया। अब मैं इसको अपने रिंग के इसके साथ अटैच करूँगी। तो यहाँ से ये मैंने निशान लगाए हुए हैं हैंडल वगैरह के लिए, जहाँ से मुझे बाकी चीज़ें स्टार्ट करनी है तो वो उसके बाद करेंगे। सबसे पहले हम वायर अटैच कर लेते हैं। वायर अटैच करने के लिए हमने यूँ रखा, इसका यॉन का सिरा लेंगे, इस तरीके से, और यहाँ से ये पकड़ लेंगे और आप किसी भी स्टिच के अंदर से इसको सही से पकड़ लें, किसी भी स्टिच के अंदर से आपने पूरे में से लेंगे और यॉन को लेके और आपने चेन डाल लेनी है। इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर आप अगली स्टिच में से ले लेंगे और ये आपका जो स्ट्रिंग है ये आपका साथ साथ चलता रहेगा, ये इस तरीके से। फिर ये अगले में से ले लेंगे और उसको थोड़ा सा टाइटन रखिएगा। ये मैं रिंग इसके मुताबिक इसको नीचे ले लेती हूँ। और ये इसी तरीके से सारे स्टिचेस में से सिंगल कुरेशा कर करके तो इसको पूरी रॉड को उसके इर्द गिर्द कर देते हैं। साथ साथ ये वाली स्ट्रिंग को खींच लेंगे, ये इस तरीके से आती जाएगी और ये सिंगल कुरेशे के साथ ये वायर अंदर सेट होती जाएगी। ये पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये इस तरीके से आता हुआ नेक्स्ट स्टिच ऊपर लेंगे, सिंगल कुरेशा, नेक्स्ट स्टिच लेंगे और सिंगल कुरेशा डाल लेंगे, इसको अंदर ही रहने देंगे स्ट्रिंग को। तो इसी तरह से ये पूरे राउंड में आएगा। वो पूरा राउंड कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये राउंड हो गया है पूरा और ये यहाँ पे मैं यॉन कट करूँगी। और यहाँ पे हम इसको अंदर ही स्टिच कर देंगे। एक नॉट और दे दूंगी तसल्ली के लिए। ये आ गया, अब ये आ गया और फिर इसको
टाइटन करके और फिर उनको लेफ्ट यॉन को कहीं भी सेट कर दें। उसके बाद बारी आती है इसके हैंडल की, जिसके लिए हमने ये स्टिच